तनुवाखे गुरु साहिब जियो दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठे पावा सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर पिछले दिना तो जो ए विशेष गुरमत दीवान महापुरखां दी सिमरति विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी संपूर्णता दिवस नूं समर्पित ने ए दीवान समाप्ति दे अंतले पड़ाव वल वध रिहा है। हुणे ही आप जी ने भाई महल सिंह जी उन्हां पासों कवि श्री कविता राही तवारीख सरवण कीती है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज पिछले दिन भी अर्ज कीती सी उन्हां दे घर विच 52 कवि सन। खास करके सिख इतिहास दे 3 कवि दरबार एक पौंटा साहिब दा कवि दरबार दूसरा श्री आनंदपुर साहिब दा कवि दरबार ते तीसरा लखी जंगल दा कवि दरबार। पर इतिहास ने खोज भरी बात होर कही जिस वक्त हजूर नदेड़ पहुंच दिया उथे ढाडी सज्जन अपनिया कला दे राही हजूर नू वारा सरवण करांदे सन। शायद जेड़े कथा नाल संबंधित सज्जन ने एक कदी ग्रंथ पढ़िया होवे फारसी विच एक ग्रंथ है अमरनामा पटियाला यूनिवर्सिटी ने इनू एडिट कीता है ते इस ग्रंथ विच जिस तरह जफरनामे दे शेर ने उसे तरह फारसी विच शेर ने। क्या जानदा है कि गुरु हरगोबिंद साहिब दे ढाडी भाई नथमाल जी अब्दुल्ला जी भाई नथा जी गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक निभे ते उन्होंने गोदावरी दे किनारे
हजूर दी उथे सनमुख खलो के ढाडी कला रही उन्होंने शिव तो सलाह की। मैं समाप्ति तो पहला उदन भी कहा कि जो पहला बोलिया जाता वह बुलारे ते असर करता है। तुसी इथों अंदाजा लगाओ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहित दे कला दे किन्ने कु वड्डे प्रेमी सन। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बयान करन दे लई किसे कोल इन्नी समर्था नहीं कि मुकम्मल गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन नूं उहनां दी बाणी नूं उहनां दी बख्शिश नूं कोई बयान कर सके। ये केवल इमोशनल होने लई नहीं मैं कह रहा, 42 साल की उम्र है। जे गुरु अर्जुन देव जी की आरबला देखो तो 43 साल के करीब आती है। 42 साल की उम्र जबान गुरु गोबिंद सिंह जी दे जिंदगी दे जिन्ने भी कदम ने दास बेनती करदा एक एक कदम की 42 साल च व्याख्या शुरू करो। सच एवे एक एक कदम मानवता की रहनुमाई करता है। हजूर गुरु गोबिंद सिंह जी का एक पक्ष असी जंग वाला सारे सामने रखने हैं, पर रूहानियत वाला पक्ष मेरी बेनती है जेड़ी सिमरन है बंदगी है। घंटिया बद्दी पौंटा साहब यमुना दे किनारे बैठ के तू ही आलापी जाना ते 16,000 वारी 6 घंटिया तू ही आलाप देना। यह चेते रखियो उस परमात्मा विच अभेदता है, वह समाधि है गुरु गोबिंद सिंह जी। दास ने एक बार अर्ज की सी ठीक है सनातन मत समाधि दे अपने ढंग अर्थ कर दे। गुरु गोबिंद सिंह दी समाधि केवल नेत्र बंद कीतियां दी नहीं, सच एवे के पुत्र दी लाश दे कोलो मुस्कुरा के चले जाना ये केवल अखां खुली समाधि वाला मुस्कुरा सकदा, कमजोर कदी नहीं मुस्कुरा सकदा। वो परम अवस्था किन्नी उच्ची है। एक शायर ने बहुत सोहना लिखिया, चमकौर दी गड़ी चो निकलदिया हजूर ने गड़ी वल झाती मार के एक शब्द कहा है उहदा बलबला। वो कहिंदा रखी सांभ के कड़िए चमकौर दिए, रखी सांभ के गड़िए चमकौर दिए, एथे लाडले मेरे शहीद सुते, मोए होए भी जो मुस्कुराम देने, एथे मेरे ने ओ मुरीद सुते, आउण वाला इतिहास ना कह मैनू मैं सिख शहीद करा चलिया, मैनू पौंदी दिलदारी खालसे दी कोल अजीत जुजार बिठा चलिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिर्फ एक बेनती करके मैं समाप्ति करांगा ते इस फतेह बुलावांगा जो भाई साहब गा रहे सन। मैनूं याद आ गया पौंटा साहब दा दीवान, कवि दरबार सजिया सी उदों गिनती 52 नहीं सी होई कवियां दी। एक सज्जन आया इसे तरह भरा पंडाल जिहड़ा समा तकसीम कर रहा सी, जिवें आपां स्टेज सैकटरी शब्द वरतने आ, जो समा वंड के दे रहा सी उहदे कोल आया। उहनूं कहण लगा सिखा मैं कवि खां, मैं अपनी रचना सुनानी चाहना गुरु कलगीधर दे दरबार च, मैं सुनिया ये विद्या दे कदरदानी ये सच्ची मुची तलीम दी बहुत इज्जत करदे आ। जदों उहदे चेहरे वल देखिया कवि दे अरकां तों कपड़े पाटे जिवें लीरां वलेटियां हुंदियां ने। हजूर नूं पुछिया समा वंडन वाले ने महाराज ये सज्जन कविता सुनाण आया है, कहिंदा मैं कवि हाँ। हजूर ने कहा हाँ टाइम वक्त जरूर दिओ सारे कवि भुगतन तो बाद। जदों उस कवि नूं समा दिता गया वह हजूर दे सनमुख खड़ा हो गया, उन्हें बैठकां मारनियां शुरू कर दित्तियां, अपने पट ते थापड़े मारन लग पिया, अपने डौलियां ते हथ मारे जिमें पहलवान कुश्ती लड़न वाले बंदे एक्शन करते ने मुद्रा करते ने उस तरह। एक सिंह ने कहा आप जी कवि हो के पहलवान, जे पहलवान हो तो साढ़े को भी सिख हैं। वह कहिंदा नहीं मैं असल च पहलवान नहीं, मैं तो कवि हाँ। उन्हें कहा तेरी हरकत तेरे शरीर का एक्शन ये तू पहलवाना वाला कर रहे हैं। उन्हें जेडे शब्द कहे वह सुन वाले ने, कहिंदा मैं असल च वंगार ना पिया किसे नूं। पुछिया कौन, कहिंदा दरिद्रता गरीबी कंगालता मैनू रब ने गुण दिता, कविता दा छंदी छंदा बंदी दा शब्द मैनू बड़े दिते, शब्दां दी वकैबलरी मेरे को बहुत है,
पर गरीबी ने इना के घर रोटी भी एक वक्त की मुश्किल न पकती। फिर तू क्या डंड बैठका क्यों? कहिंदा इस करके कि मैं गरीबी नू कंगालता नू दरिद्रता नू आवाज दे के कहना अज आ अगे तू राजियां महाराजियां दे दरबार विच भी मैनू बेइज्जत किया, अज आ मेरे नाल मुकाबला कर। मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार च पहुंच गया, अज दाना दा तीर मार मार के मेरा गुरु दरिद्रता नू उड़ा देवे। प्यारे सुनियो, हजूर ने कहा जिन्ना इहदा भार इहनू तोल के सोना दे दिओ, गुरु दरबार चो खाली ना जाए। उहने जिहड़ियां सत्रां लिखियां ने, हां जे किसे नू मैं कल भी एक उदाहरण दित्ती सी, एक किताब है जी अजकल बहुत घट मिलदी, उहदा नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबारी रतन। एक किताब प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म ने लिखी है, वह किताब प्लीज जरूर पढ़ियो। उस विच 52 कवियां तो इलावा 34 लिखारी ने गुरदेव दे दरबार च जिहड़े उलथे करदे आ। गुरमुखो 34 लिखारियां तो इलावा 4 लिखारी गुरु गोबिंद सिंह जी दे हर वक्त नाल रहिंदे ने, जिहड़े हजूर दी मुख तो उचारण कीती बाणी नूं नोट करदे आ। उहनां विचों श्रीमान भाई साहिब भाई मनी सिंह जिहड़े ने उह मुखी ने। उत्थे कवि, उस कवि दा नाम सी हीर। मैं 2-3 सत्रां ने उहदियां, क्योंकि मेरी समस्या सी जो प्रकरण चलदा सी मैनूं कहना पैणा सी, क्योंकि तुहाडा लेवल सुणदा उत्थे खलोता होया जी। उत्थे हीर कवि कहिंदा दर्द कपूत तेरो मरनो बनियो है आज, कर कै सलाम खोजो कवि हीर सो। दर्द कपूत दरिद्रता कंगालता, दर्द कपूत तेरो मरनो बनियो है आज, कर कै सलाम खोजो कवि हीर सो। नत्र गोबिंद सिंह विलक करेंगे तो ए टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर सो। फिर 2 सत्रां, दर्द कपूत तेरो मरनो बनियो है आज, कर कै सलाम खोजो कवि हीर सो। नत्र गोबिंद सिंह विलक करेंगे तो ए टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर सो। ए उस किताब दे विच लिखे हुए ने। एक एक कवि दी रचना कदी वक्त बनिया, सतगुरु कृपा करे एक एक कवि दा जीवन वणगी मात्र उन्होंने केड़ी केड़ी कविता कही। आओ जो प्रकरण गुरमुखां दित्ता सी पिछले दिन दीवाना च, दास ने जो बेनती कीती है सिर्फ पंछी चात। पहले दिन अर्ज कीती सी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च की है ते किस किस अर्थ विच शब्द आया है। उस तो बाद अर्ज कीती सी ये बाणी लिखी कोई कविता नहीं, ये बाणी सच एवे अभेदता विचों प्रकाश होया है। सतगुरु ने अमृत बाणी च बचन कीता, अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई। ये दो तुकां ही दस दिंदियां ने बाणी की है। अमृत बाणी, अमृत नाल भरपूर बाणी, दूसरा भाव अर्थ जिन्हों पढ़न दे नाल मौत दा भय खत्म हो जाए। तत्व खाणी जेड़ी बाणी तत् परमात्मा दा विखान कर दी है। ये किवें आई जी? विद्वान कट्ठे करके नहीं, एक कविता पढ़ के नहीं, ज्ञान ध्यान विच आई। उस परम पिता परमात्मा दे ध्यान विच गूढ़ होके जेड़ा अनुभवी ज्ञान बाणी दे उचारण करत्यां दे अंदर प्रकाशित होया, सच एवे कि ध्यान विचों अनुभवी जेड़ा ज्ञान आया उन्हूं अखरां दा रूप दे दिता। अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई। गुरु ने आख्या बाणी नू, गुरु जी ने जाणिया बाणी नू, जिन्हां ते बख्शिश हो गई उन्होंने गुरु दी बाणी नू अपने सुरत दे नाल कमाना शुरू कर दिता। ए बेनती कीती सी, कल अर्ज कीती सी 2 दीवाना च गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने सारी बाणी नू संग्रह करके एक थां ते हजूर सच्चे पातशाह जी ने पोथी साहिब, पर उंज कवि संतोख सिंह उन्हां ने गुरु ग्रंथ लफ्ज की वरत्या है, उन्हू एक थां ते इकत्र कर दिता। हरिमंदर साहिब अंदर पहला प्रकाश किया गया, ते प्रकाश करन वाला कौन सी? सतगुरु गुरु नानक साहिब दा वह प्यारा सिख जिस दी उम्र उस वक्त 98 साल की हो चुकी सी। धन बाबा बुढ़ा जी,
98 साल की उम्र उस महापुरुष कह लो ब्रह्म ज्ञानी कह लो भाई साहब ने ते शब्द वरत्या अजिता रंधावा भला है बूढ़ा बुढ़ा एक मन त्याव एक मन ध्यान वाले उन्होंने पहला प्रकाश किया। आओ इस तो अगलेरी बेनती मैं आप जी दे सन्मुख कर सका रवांगा टाइम च मैनू पता है मेरे 10-12 मिनट निकल चुके हैं इस तो अगे नहीं टप्पांगा टाइम तो करो कृपा बख्शो असीस गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। आप जितने घरां विच बैठे संगत विच बैठे सुन रहे हो गुरु बख्शी असीस बख्शो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी कल भी अर्ज कीती सी है काव्यक रूप विच चेते रखियो इस काव्यक रूप नूं सुन के इहदा पद्धर नीवा मत समझना है ए कविता रूप विच कल अर्ज कीती सी कवि भी कविता रचदा है पर कवि कविता रचन तो बाद ओनी उच्ची अवस्था ना मानदा है ना ओदी हुंदी है पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे उचारण करता उन्होंने जो कुछ अपनी रसना तो उचारण किया उन्होंने वह कुछ अपनी जिंदगी दे विच कमाया खंडाया ते देखिया होया है वह सुनी सुनाई बात नहीं। सतगुरु ने बाणी दी तरतीब देंदिया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वेला आउंदा है जिस संपूर्णता दिवस की आप गल कर रहे हाँ हजूर दमदमा साहब की धरती से पहुंचते मुख संघ मुखसर का जंग 40 सिंघां ते बख्शा हजूर दमदमा साहब पहुंचते इथे दमदमा साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे महल सन्मान योग माता सुंदरी जी माता साहब कौर जी हजूर दे चरणों में हाजिर होंगे आनंदपुर साहब विछड़न तो बाद आनंदपुर छड़न तो बाद यह पहला मौका है जिथे हजूर का परिवार इकट्ठा होंदा है। जिस वक्त श्री आनंदपुर साहब हजूर ने छड़िया 6 पोह की रात ते 7 पोह की सवेर उस वक्त सच्ची सरकार दे नाल 4 साहबजादे ने सन्मान योग हजूर दे माता जी ने सतगुरां दे 5 प्यारे ने जिंद तो प्यारे सिख ने पर प्यारे ओ सरसा नदी तक पहुंचदिया इस परिवार दे 3 हिस्से हो गए। एक पासे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वड्डे साहबजादे ते 5 प्यारे ने दूसरे पासे सन्मान योग माता जी ते छोटे साहबजादे ने तीसरे पासे सन्मान योग गुरु के महल साडियां मातावां ने हजूर चमकौर दी धरती ते पहुंचदे आ 3 प्यारे उत्ते शहादत दा जाम पींदे आ दोनों वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ओ शहादत दा जाम पींदे आ। सतगुरु चमकौर दी गड़ी चो ताड़ी मार के निकलदे आ चमकौर चो ताड़ी मार के निकलदे आ माछीवाड़े दे जंगलां च पहुंचदे आ। अज भी ओ जंड जिथे टिंड दा सराहना करके गुरदेव ने विश्राम किया ते जिथे सद दित्ती आपरे प्यारे प्रीतम नूं के मित्र प्यारे नूं खाल मुरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना सोल सुराई खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। आप जदों उत्थे जाओ मैं एक बेनती करदे आं इह इतिहासक सामां आम दुनिया दियां इमारतां ते रुखां नाल तुलना कदी ना करो। फिर बेनती है गुरसिखी दा जिन्ना भी इतिहास है सच एवे अध्यात्मकता नाल रूहानियत नाल परमात्मा दे सिमरन नाल ओत पोत है। दास पिछले साल तकरीबन कई सालां तो असीं उत्थे जो दीवान करने आ सिख चैनल ये सारे लाइव भी करदे ने पर एक गल होमे च नहीं अहंकार च नहीं उस जंड दे थले रात बैठ के सिमरन करिए किते एकांत होवे इन्ने कमाल दा औरा है कि बैठदे सार खिंडिया होया मन जिहड़ा पूर्ण तौर ते टिक जांदा है। वह कला रुख नहीं वह कली आम इतिहासक थां नहीं
ਉੱਥੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਰਾਏਕੋਟ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਾ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕੇ ਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਚ ਏਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ। ਸੁਣੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਪਨਾ ਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦਾਸਤਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕੁਨ ਰਖੀਮ, ਅਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ। ਇਹ ਦੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼, ਰਾਜ਼ਿਕ ਦਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ ਤੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਆਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਇਹ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ, ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਏ,
हालांकि साडे इतिहास विच इक साखी भी हुमा पंछी दे खंभा वाली, जिदे सिर तो हुमा पंछी लंघ जाए वह खुशकिस्मत हुंदा है, वह सम्राट बनता है। गुरु गोबिंद सिंह शब्द वर दिया, औरंगजेब मेरे सिर दे उपर अकाल पुरख वाहगुरु परमात्मा हुमा दा साया है, तेरे वर्गे चलाक कामरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो शब्द ने खुमारा कसा साया के आयद बजेर, मेरे सिर दे उपर साया, साया दा मतलब परछावा, अकाल पुरख वाहगुरु दी बख्शिश दी शाख है मेरे ते। खुमारा कसा साया के आयद बजेर बरो दस्त दर्द ना जागे, जागे मीन्स फारसी च कां, जिदे सिर ते परमात्मा खुमा होवे तेरे वर्गे चलाक कां उहदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक बचन हजूर दा खोर, कसे पुश्त उपदत पसे शेरे नर, ना गीर बूजो मेशो आहू गुजर, तीन शब्द ने बूजो मेशो आहू गुजर, भेड बकरी ते खिरन। कहने जेड़ा अकाल पुरख परमात्मा शेर दी शरण विच होवे तेरे वर्गिया भेड बकरियां हरना उहदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदियां। भावें कई बारी साडे सिंह सुनांदे आ, कई बारी औरंगजेब पक्का मुसलमान सी, कट्टर मुसलमान सी। चेते रखियो गुरु गोबिंद सिंह दी रचना ते भरोसा करन वाले बैठे हो तुसी। गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे च कहिंदे आ तेरे वर्गा बेईमान बंदा कोई नहीं। असीं कही जाने मारी जूरी पक्का मुसलमान। हजूर दा बचन है, ना इमाम प्रस्ती ना ओजाए दी, ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकी। ना इमाम प्रस्ती, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने कौन कहिंदा तू ईमानदार है, तू बेईमान है, तू ईमान दा पक्का नहीं। ना ओजाए दी, तेनू दीन ते भरोसा नहीं। सच एवे औरंगजेब तेनू अल्लाह रब दी भी शनाख्त नहीं, जिस पैगंबर दे तू गीत गाउना तेनू अपने पैगंबर ते भी भरोसा नहीं। आपां किवें कही जाने पक्का मुसलमान जी? ना इमाम प्रस्ती ना ओजाए दी, ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकी। बेनती है गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्होंने जफरनामा लिखिया, लखी जंगल का कवि दरबार भी सजिया। कल भाई साहब मेरा ख्याल कल पढ़ रहे सन टीवी ते, सुन लखी जंगल खालसा आए दीदार लोगों ने, सुन के सद माही दा मेही पानी काओ मतो ने, किसे नाल ना रलिया काई कोई शौक पयो ने, गया फिराक मिलिया मित माही ताहियो शुक्र कीते ने। हजूर मुकसर दी जंग जित दे, सब ओदी तलवंडी जा पहुंच दे। डले ने हजूर नू क्या महाराज आप जी आके किलिया विच आसन, महाराज जी ने कहा नहीं बार। प्यारियो इत्थे बड़िया बख्शा मालवे दी धरती ते कीतियां, मैं ज्यादा डिटेल च नहीं, गुरमुख प्यारे बैठे आ इत्थे सारे, देखो उत्थे आज जो कुछ आज मालवे च वरदा पिया है इह गुरु गोबिंद सिंह दे बचना दी बरकत है। सब कुछ क्या कि देख पानी दे दरिया नहरा आ गईयां, यही क्या नहीं रेत चमकदी पई है। देख बाग अंब संतरे अनार ने, नहीं महाराज अक है, अक्का नू लगियां अंबकड़ियां ने। देख कमाद कह झोना कह कणक है, नहीं सरकड़ा कह काने ने। हजूर ने हस के क्या डलिया, आवेगा सब कुछ इस धरती ते पर तू नहीं देखेगा। मैं एक बेनती करा, गुरु साहब ने बख्शा की उथे उथे हजूर दा परिवार आया। भावे चलो कथा च खेना पा सुना के तुर पांगे, इनू इनू ही भावक होने लई नहीं दासता। कई बारी कहिंदा है कि गुरमुखो हर घर विच छे पोह तो लैके 13 पोह तक गुरु गोबिंद सिंह दा रोज शुक्र ते उहदी सिफत करिया करो। ये दिन वह ने जेडे दुनिया दे विच किसे ते वी किसे पैगंबर ते नहीं आए होने, जेडे दिन गुरु गोबिंद सिंह ते वापरे। आनंदपुर साहब तो सारा परिवार इकट्ठा, हुण मातावां आके बैठियां ने विच दरबार दे, अपने सपुत्रां नू अपने लालां नू देखदियां ने। अगे दरबार साजा सी चोजी प्रीतम दे कोल, दोनों छोए साहबजादे छोटे, वड्डे साहबजादे हजूर दे दरबार विच शोभदे सन। अज गुरु गोबिंद सिंह बैठे आ पर चारे साहबजादे नजर नहीं आए। बाबा फतेह सिंह अज गोद दे नेड़े ने बैठे दिसदे। पंज प्यारियां विचों पावां के भाई दया सिंह धर्म सिंह जी नू पहले ही तोड़ दिता है जी, तीन प्यारे शहीद हो चुके आ। मतावां ने नजर भर के संगतां वल देखिया, कितों आवाज रबाबियां ने कीर्तन कीता,
पुछो ने हजूर नू सच्चे पातशाह सन्मान योग माता जी सतगुरु लाल मैं कहना एक गल भावे सी कथा कवि मिनट सुना के अगे तुर पे ने गुरमुखो सच एवे वारना शब्द बड़े कमाल दा है सिर तो वारिया की जांदा है कर्म कांडी लोग की करदे आ पुत्रां तो पैसे वार दे ना जी मैं कर्म कांडी शब्द वरत्या किते कोई सुन के ना कहे भी गुरमत विच अज उत्थे जी मनमत सुनाई गए सिर तो वारना लोग पैसे वार दे दा मतलब है मेरे तेरे सिर तो पैसे दी कोई कीमत नहीं पानी वार दे आ फुल वार दे आ गुरमुखो तन गुरु गोबिंद सिंह दा शुक्र करो ओ खालसा जी जिन्हें तुहाडे सिर तो अपने पुत वार दिते आ पानी कोई वारद है सुनो बेनती ध्यान नाल पैसे कोई वारद है सचमुच कीमती खजाने वारद है कोई ऐसा नहीं देखा जिहड़ा अपनी उम्मत तो अपने पुत्रां नूं वारदा होवे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पुछिया लाल ते हजूर दे बोल सन के इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुवे तो क्या हुआ जीवत कई हजार गुरमुखो कई हजार लफ्ज वरत्या कई लफ्ज इन्ने कमाल दा उथे गिनती नहीं हो सकती कई हजार है इथे दमदमा साहब दी धरती ते भाई धीर सिंह ते भाई वीर सिंह जदों डल्ला वार वार कह रहा सी महाराज मैनू याद कर दे सारे जवाब दे गए प्यारे ओ आवाज दित्ती भाई धीर सिंह वीर सिंह दस्तार सजांदे हजूर दे बंदूक दे सामने खलोंदे आ एक दूजे तो अड्डियां चुके ते नाल कहिंदा महाराज पहली आवाज मैं सुनी दूजा कहिंदा नहीं मैं सुनी सतगुरु कहिंदे ने भाई डलिया आ जिहो जे दस्तारा सजांदे ने इहो जे चमकौर दी गड़ी विच लड़े ने इत्थे फिर सतगुरु ने कमर कसा खोल के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कंठो उचारण कीते कोई दो शक दो रामे ने क्योंकि साडी बड़ी समस्या अज असी अपने दिमाग नाल सोच के अकल नाल धर्म दे अर्थ मत करिए जो मैनू पता है गुरु नूं इन्ना पता है नहीं गुरमुखो सतगुरु तां करोड़ां ब्रह्मंडां दा सिरजक है दास ने पिछले दिन कर्ज कीती सी मूल मंत्र च पढ़ने करता पुरख दा अर्थ है सब दा क्रिएटर क्रिएशन आ जो कोई किरत उहनूं बनाउण वाला भाई नंद लाल साहिब नूं पुछ के देखो कहिंदे ने सारी किरत दे करते दा नाम गुरु गोबिंद सिंह है कादरे खरकार गुर गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुर गोबिंद सिंह हजूर ने उथे धीर मलियां तो गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लैण वास्ते सिख भेजे उन्होंने जवाब दे दिता सतगुरु ने अपने कंठ तो बाणी उचारण की दास कई बार बेनती करता है गुरमुखो एवें स्टेज ते गप्पां छड्डी जाइए झूठ इधर उधर दे ये शोभा नहीं देंदे मेरी बेनती है लोगों नूं मौका मिल जांदा गल्लां करन दा अज भी ऐसे सिंह मौजूद ने जिहड़े एक एक चौंकड़े ते पूरा गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ कर जांदे आ अज भी सिंह मौजूद ने जी ये कहीए नहीं जी इथों तक कान सिंह नाभा दा महान कुछ सारे विद्वान वरतदे उहनां दे पिता बाबा नारायण सिंह ओहदे बारे कहा जांदा कि संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जबानी उहनां नूं कंठ सन चार अखंड पाठ उन्होंने एक चौंकड़े ते अपनी जिंदगी च कीते सन चलो ता मैं ता इशारा कर दिता भी लिखत मौजूद है ना कई बंदा पुछ पैंदा किथे पढ़िया चार अखंड पाठ एक चौंकड़े ते कीते संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जबानी कंठ कह ओ गुरमुखो जिहड़ा मुख तो बाणी उचारण करदा पिया ओहदे हिरदे विच गुरु नानक साहिब दा प्रकाश कह उस हिरदे विच गुरु अंगद साहिब दी रहमत कह हजूर सच्चे पातशाह जी अपने मुखार बिन तो अमृत बाणी उचारण करदे आ अति सन्मान योग भाई साहिब भाई मनी सिंह जी ओनू लिखत दा रूप है दिंदे आ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृपा कीती उन्होंने पूरी बाणी दी तरतीब रखी कुछ विद्वानां दा ठीक है अपने ख्याल नाल कहिंदे आ कुछ फर्क कीतो ने हजूर सच्चे पातशाह ने तरतीब रखी उस तरह कल दास ने बेनती कीती सी कि 31 राग ने जिन्नी को मैनू समझ पई ये नहीं कि जो मैं कथा कर रहा आखिरी सच है गुरु समर्थ है सतगुरु ने एक कृपा की थी। बहुत बाणी ऐसी है
जेड़ी टाइम दे सरलेख थले हजूर ने उचारण की, समय दे सरलेख थले पंजाब दा जेड़ा फोक सी, लोक संगीत सी, वैगुरु इनू लोक गीत नहीं मैं शब्द वरत रहा, उन्हां तर्जां नू भी लैके हजूर ने उन्हां दे सरलेख पा दिते, नू इस थां ते इस ढंग नाल गाया जी। उदाहरण दे तौर ते असी श्री राग तो प्रारंभ करने, क्योंकि भावां कि श्री राग तो पहला राग आउंदे ने, सोदर राग आसा महला पहला राग आउंदा है, आसा महला पहला सुन वड्डा आख है सब कोई राग है, आसा महला पहला आखा जीवा विसर मर जाऊं राग है, ये सारे राग असी पढ़ने का। सोहला साहब विच राग ने, पर श्री राग तो हजूर आरंभता करते ने, ते जैजावंती राग ते जाके सच्ची सरकार संपूर्णता कर दे। ये जड़ी बाणी राग विच है उथे बकायदा लिखे है कि गुरु के कीर्तनियो रबाबियो इस बाणी नू इस राग विच गायो। हजूर सच्चे पातशाह ने नाल घरां दा इशारा किया, आप सूझवानो गुरु ग्रंथ साहिब विच 17 तक घर ने, आप सब नू पता है जिवें असीं पढ़ने सोट महला पंजवां घर चौथा, यह 17 तक आउंदे। विद्वान पुरश कहिंदे आ भी घर दा संबंध गाउण दे नाल है, ते इस कोई दारावा नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच इशारा भी दिता है कि इस घर का अर्थ ही गाउण दे नाल, कई सज्जन ताल नाल करदे आ, कई कविता की मात्रा दसदे आ, पर सीधी गल स्पष्ट इहदा संबंध है गाउण नाल ही। जदों श्री राग दे विच भगत बाणी शुरू हुंदी है उहदी आरंभता च लिखिया है एक स्वान कै घर गावना, असीं वारतक पढ़ने, इहदा स्पष्ट भाव है कि गुरु के कीर्तनियो इस शब्द नूं उस घर विच गायो जिस घर दे अंदर हजूर दा शब्द है एक स्वान दोए स्वानी नाल, एक स्वान कै घर गावना, यानी अड़े कै घर गावना कि इस पवित्र शब्द नूं गुरसिखो उस घर विच गायो जिस घर दे विच हजूर दे ए अमृत बोल ने ए आनड़िए मारड़ा काय करे। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कृपा की, फिर बेनती सुनियो, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी रागां दे अधीन कै खां जैजावंती तो बाद असी श्लोक सहस्कृति पढ़ने जी, गाथा है चौ बोले फुने, उस तो बाद असी श्लोक पढ़ने भगत कबीर बाबा फरीद साहब जी दे भट्ट साहिबान दे सवैये मुख वाक सवैये, पहला श्लोक वारा ते वदीम उदावनी, श्लोक महला पंजवां ते राग माला। हजूर सच्चे पातशाह ने ऐसी तरतीब दिती, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने उस तरतीब ने गुरु तेग बहादुर पिता गुरुदेव की बाणी दर्ज की। बहुत सारी बाणी का हिस्सा जिहड़ा है वह समय के सरलेख थले वे जी, आप सब नू पता है कि मिनट सिकिंड घंटे ते चलने नहीं। कई सज्जन पुरातनता तो बड़ी नफरत करते हैं, वह बड़ी बड़ी दुनिया तरक्की कर गई तुम पुरानी गल्ला करते हो, मैं बेनती करांगा विश्वे चस्या घड़िया पैरा थित्ती वारी मां होवा, पुरातनता तो बिना ये अर्थ होनी कोई नहीं। सिकिंट मिनट तक गिने नहीं जाने थे, असी रोज सोहला साहब विच पढ़ने टाइम की वंड है कि विश्वे चस्या घड़िया पैरा थित्ती वारी मां होवा, अख दे 15 फोर अख वर नू 15 वारी झमको तो एक विसा बनता है, 15 विसे जोड़ लो तो एक चसा बनता है, 30 चसे कट्ठे होने तो एक पल बनता है, 60 पल कट्ठे होने तक घड़ी बनती है, 7.5 घड़िया होने तक पैर बनता है, 8 पैर कट्ठे होने ते दिन ते रात बनता है, 7 वार एक हफ्ता है, उस तो बाद 15 थित्ता ने मखीने ने 6 रुत्ता ने। सतगुरु ने कृपा की, उन्होंने समय की सब तो छोटी इकाई जिहड़ा पैर है पैरियां दे सरलेख थले बाणी लिखी। बेनती सुनियो टाइम नूं सबल करन दे लई, दास ने पिछले दिन एक अर्ज की सी, एक विद्वान ने लिखे है, वह कहिंदा जे मौत ने सानू एक सवास भी नहीं देना तो आप एक सवास मौत नूं क्यों देईए। फिर बेनती सुनियो, जे सवास ने एक मौत ने एक सवास नहीं देना आप सवास मौत नूं क्यों देईए। इहदा मतलब जे मौत ने एक साह नहीं लैण देना आप नाम तो बिना सवास की मौत क्यों होण देईए। सतगुरु ने टाइम सबल कर ली, पैर पैर शब्द सरलेख थले बाणी दर्ज की जी, असी सारे पढ़ने खां, पहला पैर है रैण कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास, दूजा पैर है रैण कै वणजारिया मित्रा विसर गया
ध्यान वो बाणी पैरियां दे सरलेख तले वो टाइम दा सरलेख है कि जिमें चार पैर रात है तेरी जिंदगी चार पैर रात दी तरह है जे इबादत ना कीती ते जिमें चार पैर रात सौ के निकल जांदी है परमात्मा दे चिंतन तो बिना तेरी जिंदगी रूपी रात भी चार पैर व्यर्थ चले जाएंगे। सरलेख पैरे है। उस तो बाद आप पढ़ते हो गुरु ग्रंथ साहब दिन रहन भी सरलेख है, माज राग विच दिन रहन सरलेख है, सेमी सतगुरु अपना हर सिमरी दिन सब रेन, आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन, ओदा सरलेख दिन रहन है। सच एवे गुरु जी ने पैरियां तो लैके सवासा स्वास तो शुरू करिए, तू दिन रात क्यों बतीत करने, दिन रात तो अगे सत वार ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च एक सत वार भगत कबीर जी दे ने, एक सत वार गुरु अमरदास महाराज जी दे ने। सत वार कबीर साहब दे दास कई बार बेनती करता है कि सत्तां वारां विच्चों एक एक वार की एक एक तुक लवो। गुरु ग्रंथ साहब ऐतवार तो शुरू करते हैं जी वार, सोमवार तो हफ्ता नहीं गुरु ग्रंथ साहब शुरू होंदा। आप सब नूं पता है हफ्ता हफ्ते का पहला दिन गुरु ग्रंथ साहब च ऐतवार है। कबीर साहब ने कहा आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थम, सोमवार सस अमृत झरै चाखत बेग सगल बिखहरै, मंगलवारे ले मखीत पंच चोर की जाने रीत, बुधवार बुध करै प्रगाश हृदय कमल में हर का बास, बृहस्पत बिख्या दे बहाए तीन देव एक संग लाए, सुकृत सहारे सो ए व्रत चढ़े अंदिन आप सो लड़े, थावर थिर कर राख है सोए जोत दी वटी कट में जोई गुरमुखो। सत वार ए दस दिता, ऐतवार तो छनिचर वार तक एक वार ही रोज का कमाल लग पवे, छनिचर वार तेरे अंदर रूहानियत दे दीवे का प्रकाश हो जाए। मैं बेनती करा सत वारां दे सरलेख थले बाणी दर्ज की, सतगुरु ने फिर पंद्रह थितां दे सरलेख थले बाणी दर्ज की, हजूर ने छे रुत्तां दे सरलेख थले बाणी दर्ज की, सच्ची सरकार ने बारह महीनिया दे सरलेख थले बाणी दर्ज की। सानू ए शब्द दास कई बार वरदा है थित वारक सरलेख है, वार पैरे थित ये सतगुरु ने टाइम दे सरलेख थले। उस तो बाद आप हजूर की बाणी च नौ धुनिया का जिक्र कर ले, वारां दे नाल संबंधित ने, ते खास करके आसा की वार भी तो रोज एक गुरु के कीर्तनीय पढ़ते ने कि वार शलोका नाल शलोक भी महले पहले के लिखे टूडे असराजे की धुनी। हजूर ने वह धुनी टूडे असराज की जड़ी वार है, उस हर उस वार की हर पौड़ी दियां तुकां, भबक्या शेर सुल दूर राय रण मारू वजे, खान सुल्तान वड़ सूरमे विच रण दे गजे, ये छे पांच पांच तुकां दी एक एक पौड़ी है। आसा की वार दियां तकरीबन तेई पौड़ियां पांच पांच तुकां दियां ने। हजूर ने कहा कि गुरु के रबाबियो कीर्तनियो इस वार नूं उस तर्ज विच गायो जिहड़ी टूंडे असराजे दी तर्ज। हालांकि इन्हां नौ धुनिया का अपना इतिहास है, सतगुरु ने कृपा की उन्होंने जिथे ये दर्ज किए जिहड़ियां लोक धुना सन, भावें कीर्तन वाले गुरमुखां दा संबंध है, असी कर हले पढ़ने खां। हालांकि कर हले दा अर्थ ऊठ दा बच्चा ही ऊठ अर्थ कर दे, ऊठ दा बच्चा। पिछले दिन एक विद्वान ने इस दे अर्थ किते, ओ भावना वाला मैं विद्वान शब्द वरत्या, कई बार बंदे डर जाते, डॉक्टर प्रोफेसर आया दे कि तो ही डर जाते, पता नहीं की गल बन जानी है, बड़े भावना वाले भी है। उन्हें कहा जिहड़ा कर हलेख है यह लोक धुन है, एक गाउन नाल संबंध तर्ज है कि जिवें राजस्थान विच लोग ऊठां ते व्यापार करदे सन, ऊठ अगे पिछे तुरदे ते रात नूं जदों चांदनी रात विच ऊठां वालिया तुरना ते कहिंदे सन ओ अपनी जबान तो अपनी तर्ज विच गीत गाउंदे सन खुशी दे। महाराज जी ने कहा इहनूं उस धुन च गायो जिस धुन च कर हले गाया गया है। हुण वणजारा है, वणजारा भी सरलेख है जी, उंज वणजारे दा लफ्जी अर्थ है व्यापारी, व्यापार करने वाला, उत्थे वणजारे दा अर्थ जिहड़े टांडियां वाले सन, गड्डियां वाले, यह वणजारे गीत गाउंदे हुंदे सन। वाहिगुरु जी ये तर्जां हजूर सच्चे पातशाह ने लईआं कि इस वणजारे नूं उस तर्ज विच गायो
जिस तर्ज दे विच टांडियां वाले गड्डियां वाले गाउंदे सन। दास ने एक वार अर्ज कीती सी कि जदों वणजारे तुरदे सन गड्डे लैके रात नूं सबर करना कि रस्ते च सारा काफिला ठीक है, इन्हां ने रात नूं कई वारी उच्ची उच्ची आवाज विच गाउणा। महाराज जी ने कहा इहनूं गायो। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने वणजारियां दा एक गीत सांभिया। यह गीत का अर्थ दुनियावी नहीं, ते वणजारे तकरीबन लबाणे बरादरी नाल संबंधित हुंदे सन। तकरीबन मैं शब्द वरते, उन्हां दा गीत है तू ले ले नाम गुरु अमृतसर वाले का, तू ले ले नाम गुरु कीरतपुर वाले का, कभी भूखा नहीं मरेगा कभी प्यासा नहीं मरेगा, तू ले ले नाम गुरु अमृतसर वाले का। यह वणजारे गाउंदे हुंदे सन। हजूर ने कहा इस नूं इस धुन च गायो। उस तो अगे असीं सद पढ़ने, हालांकि रामकली सद जिहड़ा इहदे अखरी अर्थ परमात्मा वल्लों आया सद्दा है, तेरा सदड़ा सुनीजै भाई, जैसी पढ़ने खां जिन्नी तेरा नाम त्याया तिन को सद मिले। पर विद्वान पुरुष कहिंदे आ कि इह सद भी एक पंजाब दी लोक तर्ज है जी, कि जदों किते जिमीदारा करन वालियां नूं पता है कणक दी वाढी पैणी, कणक वढ़नी भरियां बनणियां, चलो मैं शब्द वरत रहा, कणक सारा दिन वढ़ के भरियां बनणियां, भरियां दा अर्थ पंडा बनणियां। ते उस वक्त की करदे सन पेंडू नौजवान, एक हथ खब्बे कन्न ते रख के ते दूजा हथ उपर चुक के उच्ची सारी सद लांदे सन। चेते रखियो सद दा संबंध फकीरां दी तर्ज नाल वी है। अमृत वेले पिंडां विच तुहानूं पता होणा लोक सुते हुंदे सन, उह फकीर गाउण हुंदे सन, प्यारे उह सद वी इक तर्ज है। असीं वडहंस राग पढ़ने, सिर मैं थोड़ी जी बेनती कर लगा, हालांकि गुरबाणी पाठ दर्शन विच बाणी ब्यौरे विच बाणी ब्यौरा डॉक्टर चरण सिंह राती मर्ज कीती भाई वीर सिंह जी दे पिता जी, सब तो पहला बाणी ब्यौरा उन्हां ने लिखिया, उन्हां ओह पुस्तक पढ़न वाली है जी। एक एक चीज संत बारे घर बारे वारां बारे ओह एक एक चीज उन्हां दित्ती। मैं सिर्फ विचों विचों बेनती, घोड़ियां ने वड़हंस राग चाउंदियां ने, इहदे नाल ही अलाहुणियां ने। हुण आप सब नूं पता है घोड़ियां दा संबंध विआह दे नाल है, ते अलाहुणियां दा संबंध जिहड़ा ओह मौत दे नाल है। पर जदों घोड़ियां सरलेख आउंदा इहदा मतलब इह नहीं कि किते ओह पेंडू घोड़ियां जिहड़ियां वीर नूं घोड़ी चढ़न लग्गियां भैणां गाउंदियां ने ओह घोड़ियां नहीं, इह तर्ज घोड़ियां है, इहनूं घोड़ियां दी तर्ज गायो। पर चेते रखियो उत्थे विआह दी घोड़ी नहीं, उत्थे शरीर नूं घोड़ी क्या है। दे तेजन जी राम उपाइया राम, जिहड़ियां अलाहुणियां ने शायद पेंडू कल्चर दास तां बेनती करदा गुरमुखो आउण वाले समें च इह भावें किथे मर्जी सिख पैदा होवे घट्टो घट इन्हां चीज़ां नूं ते याद रखना पएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा है कि अज वाहगुरु साडी त्रासदी कह बाणी पढ़न वाले नूं मैं कह रहा, आम सिख जपजी साहिब आम सिख मैं कह रहा, आम भी छड्डो कईआं नूं ते जपजी साहिब का पता ही नहीं। ये कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मानने जी, असीं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी की परवाह नहीं करते। जिन्होंने पुछ लो सुखमनी साहब किन्ने अंग ते वे चार चवेरे वेखन लग पैंदा, किनू तू मान रहे, इमोशनल होके मान रहे, हट करके कह रहे मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मान रहा। आम सिखां नूं जपजी साहिब, चलो आसा की वार, सोहला साहब रह रास पंज बाणियां, पर गुरमुखो तन गुरु ग्रंथ साहिब एक ओह खजाना है जिहदे विच कदी तोता नहीं आउणा। हजूर सच्चे पातशाह ने एक किरपा कीती साडे ते, हुण अलाणियां जिहड़ियां ने तर्ज कै रोण वेले पल, हालांकि गुरमत दे विच अलाणी पाणी स्यापा करना रोना पिटना परवान नहीं। बेनती सुनियो किते नहीं भी आपां बनमत दी गल कर रहे हैं। हजूर कहिंदे ने इस बाणी नूं उस तर्ज विच गायो जिस तरह अलाणी पाई जांदी सी। आप नूं पता होणा रोण लग्गिया पिंड विच नैण आउणा, वाहिगुरु मैं किसे जात दी गल नहीं कर रहा, नैण आउणा, उह विच खलो के कहिंदी सी अलाणी किदे नां दी पां, हाए मोरनीए हाए शेरा, बच्चे दी अलाणी वक्री सी, बजुर्ग दी वक्री सी, जवान दी वक्री सी। कहन लगे भाई इस बाणी नूं उस तर्ज विच गायो जिस तर्ज विच अलाणियां गाईयां जांदियां ने। तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंदा लाया, मोलत पुन्नी भाई पाई भरी, चानियड़ा घत चलाया। हुण घोड़ियां ते अलाणियां कठियां करतियां मारे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह।
तरतीब तो महाराज खीरली दे रहे ना, हवा के गुरु अर्जुन देव की दिती हुई। दास दे मन च कई बार आंदा घोड़िया का संबंध खुशी नाल ते अलाणिया का संबंध गमी दे नाल है। इस तरह जी सतगुरु ने सानू सरलेख विच भी जिंदगी दिती कि बाणी पढ़न वाले गुरसिखां याद रखी, जिस घर दे विच घोड़ियां गाईयां गईयां ने, जिस दी घोड़ी गाई गई है एक दिन उसकी अलाणी भी पढ़ी जानी है। घोड़ियां ते अलाणियां दोनों कठियां कर दित्तियां, जे घोड़ी गाई जाएगी उस घर दे विच अलाणी भी पढ़ी जानी है। दोनों कट्ठे ने, दुख ते सुख दोनों कट्ठे। दास ने एक बार अर्ज की सी, भाई भिखारी का जिक्र सारे करने, कल भी गुरमुखे ते कथा च कह रहे सन, गल करनी बहुत सौखी जे पर कमाण वास्ते लत्तां च दम चाहीदा है। बाबा जरनैल सिंह जी का सारे ही जिक्र करने हैं ना, ते असी भी कहने जिहड़ा कोई नवा निकलता ए बाबा जरनैल सिंह होना पक्का। वह गुरमुखो एवें भुलेखे च न पो, जिड्डा वड्डा दरवाजा उन्हें बना दिता है माई का लाल, कोई टावा टावा उस दरवाजे नूं छू सकेगा। गल करनी सौखी है, लत्तां च दम होवे उदों गल हुंदी है। प्यारियो कई बार असी माइक वेख के, संगत वेख के इमोशनल होके गल्लां उच्चियां कर जाने आ, ते स्टेज तो उतरदिआं सार साडे पैर कंबल लग पैंदे आ। नहीं नहीं, सतगुरु ने उत्थे घोड़ी ते अलाणी इकट्ठी कर दित्ती कि सिख खुशी ते गमी, हरक ते सोग, दुख ते सुख, उस्तत ते निंदा, मान ते अपमान, इन्हां विच अपनी सुरत नूं कदी डिगण ना दे। गुरमुखो सिखी तां सुरत दा नाम है, गुस्सा ना करियो। ते कदी कदी जिंदगी च मौका हुंदा जदों गुरु सुरत परखदा सिख दी, हालांकि सानू सब नूं पता है रोज मेरी सुरत च की वापर रहा है। कई बारी गुरु जिंदगी च मौका देंदा सिख दी सुरत किन्नी कु अडोल है। प्यारियो सुरत दी अडोलता दा नाम सिखी है, कल्ले शरीर दा नाम सिखी नहीं। जेदी सुरत डिग पई चेते रखो, दुनी चंद वर्गा भी रात नूं भज जांदा है। भाई वीर सिंह दा महाकाव्य राणा सूरत सिंह पढ़न वाला, उस च उन्हां लिखिया सिखी है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास सादगी रखना है। कविता दियां लाइनां, सिखी है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास सादगी रखना, पर सुरत ओनी देर तक बलवान नहीं हो सकती जिन्नी देर तक शब्द की संगत नहीं करती, क्योंकि शब्द अडोल है, शब्द कदी डोलदा नहीं। देखो उत्थे घोड़ियां ते अलाणियां हजूर ने कठियां रख दित्तियां। आप सब नूं पता है भाई भिखारी की घटना तो केड़ा जाणू नहीं, मैं साखी नहीं, सिर्फ बेनती करांगा। भाई गुरमुख ने पहले दिन यह देखिया घर च विआह इन्नी संगत, वाहगुरु परिवार के जी मेल कट्ठा, ते भाई भिखारी तप्पड़ पिया सींदा। भाई गुरमुख पुछदे ने यह क्यों, कल भी अर्ज की श्री अमृतसर की धरती तो आया सिख, ते भाई भिखारी ने नमस्कार की उन्हों। गुरमुखो नहीं, कल भी मैं कहा सी सिदक पाल लो, सारी दुनिया नास्तक हो जाए अपने गुरु तो भरोसा ना कदी डोलन दे आ जाए। जे डिठे सबे थाम नहीं तो जेहा कि सच्ची मुची अंदरों स्वीकार लेगी। उन्हें क्या सारे जी खुशी तुसी तप्पड़ सी रहे हो, वो कहन लगे जियां नूं सिर्फ कल व्याह दिसदा है, मैनूं व्याह तो बाद भी कोई दिसदा है। सचमुच तप्पड़ कम आया दूजे दिन, जिस पुत्र दा व्याह उहदी मौत हो गई। डिटेल च नहीं सा कि सिर्फ पाप उहदी मौत हुई, उस पुत्र नूं तप्पड़ दे कोल लटा के भाई भिखारी जी गुरबाणी पढ़न लग पए, सिमरन जुड़ गए, संस्कार करके आए। भाई गुरमुख ने नहीं पूछ लिया, भाई भिखारी जी तुहानूं पता सी किस बच्चे की मौत हो जानी? कह लगे गुरु साहब ने इन्नी कृपा की पता सी। कहिंदे फिर अरदास क्यों नहीं की? प्यारियो साड़ी साड़ी सिखी तो पदार्थों की लोड़ तक है, आ दे दिता ते मेरा गुरु चंगा है चंगा कर मन्ने, मंदा है मंदा होए, आश के ए ना आखी है जे लेख है वरता सोए। प्यार ते सौदे कदी नहीं हुंदे, जिथे प्यार ते सौदा प्यार नहीं वो व्यापार है।
प्यार तो कुर्बानी करता है, प्यार मंगता थोड़ा कुछ, प्यार तो फना हुंदा है। उन्हें कहा भी मैनू पता सी पुत्र चले जाने, किन्ने फिर अरदास क्यों नहीं की। कह लगे सारी रात तो जाके अरदासा बेनतियां कीतियां, कहने तुहाडी सुनी नहीं गई। कह लगे सुनी गई, सुनी की गई, पुत्र का संस्कार करके आ गया, चिखा बलदी पई है। कह लगे तो मैं अरदास ही नहीं की इनू बचा ली, इको बेनती की सतगुरु जदो पैदा होया सी उदो भी गोद च लैके तेरी बाणी पढ़ी, कल नू इहदी यात्रा मुकन लगी है, तरस करी अंदर दी सुरत इनी बलवान करी, इहदा सिर झोली च पा के भी तेरी बाणी पढ़ा, मेरा सिदक निभा दिता। उथे तीन बचन सुन वाले ने कहन लगे ताते पो गुरमुख सुन लीजै। भाई गुरमुख सुन जीवन मुक्त कौन हुंदा, भाणा मानन मन थिर कीजै। पहली गल के भाणे नू मनिए, सत नाम को सिमरन करनो, सच्चे वाहगुरु दे नाम नू सिमर, सिमर तो बिना भाणा ही नहीं मनिया जांदा। सच इवे भाणा मन दे ही होवे जिहड़ा सिमरन वाला। सत नाम को सिमरन करनो, तन हंता को हृदय बसरनो, तन दे 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 अध्यास नू छड़ दे, मुक्ति के मार्ग ए तीन कहे गुरु और संत प्रवीण। समाप्ति मैं कर लगा, घोड़िया ने नाल अलानिया ने, आप जी राम कली सद पढ़ दे, सारी बाणी दी तरतीब है जी, वारा तो बाद राम कली की वार आउंदी है, नौ करता कादर करे, वारा तो बाद भगतां दी बाणी आउंदी है, पर इत्थे सतगुरु ने आप ही तरतीब रखी। हजूर ने राम कली आनंद साहब 40 पौड़ियां संपूर्ण होया, उस तो अगे आउंदा राम कली सद, कल इशारा कीता सी, 6 पौड़ियां समाप्त हुंदियां ने। हर गुरै भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। 6 पौड़ियां समाप्त होईयां, उस तो बाद बाणी आउंदी है साजनड़ा मेरा, साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। कदी मन च आया भी इत्थे तरतीब अगे पिछे क्यों, क्यों दा अर्थ नहीं कि गलती है। राम कली सद, राम कली की वार कोल, क्योंकि बाबा सुंदर गुरु अमरदास दे पड़पोते ने, ते गुरु अमरदास दी बाणी तो बाद उन्हां दी बाणी, फिर गुरु अर्जुन देव दी बाणी। एक गुरमुख महापुरख कहिंदे सन, ए भी सरलेख सानू सिख्या देंदा है, आनंददार ते खुशी सिखा आनंद पड़े, ते कदी रब दे सद्दे नू ना भुली, जिद्दन तेरे घर रब दा सद्दा आ जाए ते कदी आनंद नू ना भुली, दोनां नू बराबर रख के चली। अर्ज करांगा तन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कली बाणी लिखाई नहीं, जिस टकसाल दा आप जी जिक्र कर रहे सो, 3-4 दिनां तो सारे सिंह उहदी शुरुआत है, आरंभता है। कली बाणी लिखी नहीं, हजूर ने 48 सिंघां नू अपनी रसना तो गुरबाणी दे अर्थ सुनाए। हां अज तक जिन्नी टीकाकारी होई, एक किताब है जी गुरु ग्रंथ साहिब दी गुरबाणी दीआं व्याख्या प्रणालियां, उहदे विच जिन्ने पुरातन टीकाकारी सी किवें टीके होए, उह सारिआं टीकिआं दी वणगी उहदे विच दर्ज कर दित्ती है। देखो हजूर ने उहनां सिंघां नू अर्थ सुनाए। सतगुरु ज्ञानी ज्ञान सिंह अखंड पाठ साहिब दा जिक्र करदे ने संपूर्णता तो बाद, प्रिंसीपल सतबीर सिंह पुरख भगवंत जी 10 किताबां दा इस करके नहीं जिक्र कर रहा, मैं रात भी क्या पढ़दा इह समस्या है, क्योंकि जिहड़ा कुछ भी नहीं पढ़दा वही बाहर खलो के पुछण लग पैंदा किथों पढ़िया, अज अगला पुछे भी तू पढ़िया किन्ने, तू किनिया पढ़िया, कमाल दी गल। सिखां जी त्रासदी हो रही, जिन्हों कुछ भी नहीं पता वही सामने खलो के पुछदा किथों पढ़ के आयो, अगला पूछ ले भी तेरी नॉलेज किन्नी, तेरे को डिग्रियां किन्नियां। ज्ञानी ज्ञान सिंह प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहिंदे ने इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा अखंड पाठ साहिब होया, ते जिहड़ा हुक्मनामा आया वह हुक्मनामा सी, पहला हुक्मनामा सी संतां के कारज आप खलोया, उत्थे कहा सी बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज, बुढ़ा मुख बोला सुई महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी संपूर्णता होई, इत्थे पाठ करके जिहड़ा हुक्म आया वह हुक्मनामा सी टोडी महला पंजवा,
सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। ये हुक्मनामा दमदमा साहब की धरती ते संपूर्णता वेले आया। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। अवर न सूझे दूजी ठहर, हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखा छूटे, हम निर्गुण लेखो उभारी। रहाव सद बख्शंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछे परयो राख लेखो ए बारी। ए तो हजूर दखण जांदे आ, समाप्ति मैं कर देन लगा। दखण पहुंचदे आ, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं हजूर ने प्याने तो पहला गुरगद्दी दित्ती। दास ने पढ़िया सी भी हुक्मनामा आया उत्थे नदेड़ गुरगद्दी वेले। मारू महला पंजवा, खुलिया करम किरपा पे ठाकुर कीर्तन हर हर गाई। श्रम थाका पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विदाता। संतन की शरणाई पर हजूर साहब जेड़ी उथों दी तरातल दी इतिहास है, वह कहिंदे नहीं। क्योंकि दास ने कथा च एक बारी कहा, हो सकता संगत सुने कह भी गल बदल गए। हाँ, उस तो पहला मैं यही कहिंदा सां जो लिखता सी भी ये हुक्म आया खुलिया करम किरपा पे ठाकुर, पर हजूर साहब कहिंदे ने असल च हुक्मनामा सी अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया आराम। फिर दास ने पूछा ये शब्द क्यों, वह कहिंदे ने जिस वक्त हजूर नदेड़ साहब सचखंड प्याना कर लगे, उस वक्त संगत नूं क्या सी, साध संगत जी सारी संगत उच्ची आवाज में शब्द का कीर्तन करो। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता। संतन की शरणाई, ये सचखंड प्याने वेले पढ़िया गया, जेड़ी उथे गुरगद्दी वेले जन साखी पढ़ी जाती है जी। उहदे विच एक है धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिन्हां ने साढ़े ते बड़ी बख्शिश की। याद रखियो असी कई जन्म लैके भी गुरु गोबिंद सिंह का देना नहीं दे सकते। बेनती करांगा सिदक ना डोलन दिओ, अरदास करो। गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी जिन्हें सानू अमृत दियां बूंदा मूँह च पाइया, इको अरदास करियो सब कुछ चला जाए, दाता है सिदक ना साडी जिंदगी च जाए। मेरी बेनती है समाप्ति ते सतगुरु अपने पंज पूतक चोले नू संकोचदियां होइआं जदों प्याना कर लगे, उस तो पहला बहादुर शाह मिलदा है। उन्हें क्या मैं फैसले करांगा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नू भेजिया, सब एक महीना सिर्फ रह जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर माधोदास अमृत छकन तो बाद एक महीना सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह को रहे। महाराज जी ने इन्नी बख्शिश की, दास ने भावे भाई मनजिंदर सिंह सोहना लिख भी लेंदे कविता भी। मेरे मन से जिदन 9 जून नू बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत सी, एक बलबला सी कविता ते नहीं मैं जानता, बस यही सी जदों गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा च हजूर पंजाब नू तोरदे आ ते बाबा जी ये शब्द कहिंदे आ। मैं क्या मैनू कविता नहीं आउंदी, मेरा बलबला सी, मैं 4 अक्षर झरीटा मार दित्तियां। हजूर दे सन्मुख खलो के कहिंदे ने बंदा हाँ तेरा बंदा ही रहा, बंदा तेरा कहावांगा मैं। फिर बेनती सुनियो, बंदा हाँ तेरा बंदा ही रहा, बंदा तेरा कहावांगा मैं। जिन्ना कंडिया ते सुत्ता सी तू दाता, केसरी निशान उथे चलावांगा मैं। जिन्ना नीयां विच खड़े सी पुत तेरे, सिक्का तेरे नाम दा उथे चलावांगा मैं। वक्त आया ते मैनू सिदक बख्शी, कालजा पुत दा मूंह विच पावांगा मैं। बंदा हाँ तेरा बंदा ही रहा, बंदा तेरा कहावांगा मैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर नू सतगुरु ने असीस दित्ती। बेनती करा उत्थे हजूर नू बहादुर शाह ने गल पुछी, इहदे नाल ही समाप्ति है, क्योंकि मैं भी अपनी रीज अज पूरी कर चलिया। प्रबंधक मैनू बख्श दे, क्योंकि कई साल तो खेला साहब फोन करदे सी। हजूर सच्चे पातशाह जी नू बहादुर शाह कहिंदा किवें बीती तुहाडी, आखिर जिंदगी च दुख घट नहीं हुंदे प्यारियो, इत्थे वड्डे वड्डे अवतार डोल गए, पैगंबर डोल गए। ओए अज तक मुसलमान बकरीद मानदे आ, पुछो बकरीद क्यों होई, हजरत इब्राहिम वर्गा भी पुत नू मरन लई तैयार नहीं होया, बकरीद शुरू होई।
उन्हें पूछा कैसी बीती। सतगुरु तो पूछना चाहता भी कि खरोच के देखा कि दुख की चीस निकलती है। तो सच्ची गल मनोविज्ञान जे कोई बंदा किसी नूं तुसी सुख दसोगे ना वो सुनी जाएगा हाँ जी करके पर अंदरों कलपेगा ये सुख क्यों दसदा पे। किसी नूं दुख दसोगे अपने अंदर दे दुख तुहानूं दसने शुरू कर देगा। सुख दसोगे तो हेट करेगा, दुख दसोगे तो अपना दुख रोवेगा। उहदा मतलब सी पुछां भी किवें बीती। सतगुरु दीआं दो सत्रां है कवि दीआं। महाराज कहिंदे आ बहादुर शाह कदी प्रसादी खाती चौर करदा सी, कदी जिंद तो प्यारे सिंह सन लाल सन। वह भी समा आया ते वह भी समा आया जो तन ढकण वास्ते मेरे तन उत्ते भूरा चादर भी कोई नहीं सी। शब्द जेड़े वरते कहन लगे बहादुर शाह मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा। बुलंदी दा अर्थ शिखर जो चढ़दी कला। मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, जहां से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। मैं जिथो लंघिया परमात्मा का शुक्र करता गया। आप समूह संगत का तह दिलो धनवादी हाँ। गुरमुखो आओ श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं आप खुद पढ़िए, आप खुद पाठ करो। पर कल भी अर्ज की संथिया तो बिना पाठ नहीं होना। कल पंजाबी पढ़ के किए नहीं, संथिया करांगे ते पाठ होवेगा। समूह प्रबंधक वीरां दा जी तह दिलो धनवादी हाँ। मैं मेरे तो बोलदियां लफ्ज तलफ्ज बेअंत भुलां होईआं ने, गुरमुखो बख्श दिया जे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।